हेलो हेलो, वेलकम टू द व्लॉग एवरीवन। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई के चैनल पे अगेन विद न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं मेरे जिम में। वैसे आज का टोटल ऐसा है कि हम जिम जाएंगे और आज दिन भर में क्या खाएंगे ये सब कुछ मैं इस व्लॉग में दिखाने वाला हूँ। आई होप कि आप लोग को ये पसंद आए। मेरा फर्स्ट ट्राई है, कैसा होता है आप लोग कमेंट में बताना ही। लेकिन अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो वो एडजस्ट करके आप मुझे उसके लिए सजेशंस दे सकते हो। तो यस, चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हमारे दिन के पहले मील से। मील नहीं है वैसे तो, हाफ स्कूप प्रोटीन है और पानी है, पानी या फिर दूध कुछ भी ले सकते हो। और बादाम लेंगे एक मुट्ठी भर बादाम और चालू करते हैं हमारा दिन। तो जिम आते आते ये पता चला है दोस्तों कि जो मेरे पार्टनर्स हैं वो नहीं आने वाले। तो आज जो वर्कआउट होने वाला है वो होने वाला है सोलो। सोलो जल्दी हो जाता है वर्कआउट वैसे देखा जाए तो, लेकिन एक रतन और जिम का पार्टनर होता है तो अच्छा लगता है। तो वैसे कोई भी नहीं आने वाला, दोनों पार्टनर, दोनों मतलब हम लोग पांच जन हैं टोटल। अभी हमारे सर है तो बेटर होगा, अगर सर भी नहीं होंगे तो हो गया, जीजी हो गया आज तो। बट वर्कआउट क्या करना है वो तो पता है, लेकिन मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पार्टनर तो होना चाहिए जिम में। और पहले मैं भी अकेला वर्कआउट करता था, बट जो पार्टनर के साथ वर्कआउट होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमारे साथ एक बंदा खड़ा रहता है कंटिन्यूसली। बाहर गाने चल रहे करके मैंने दरवाजा बंद करके चेंजिंग रूम में अकेला शूट कर रहा हूँ। अपने जिम वाले बहुत सपोर्टिव है शूट वूट करने के लिए, कैसे अभी रोकते नहीं है इसे। ऐसे कोई भी जिम वाला नहीं रोकता है, बट फिर भी कुछ होते हैं अड़ियल कर रहे हैं, रेडी हो रहे हैं और कुछ समय में कर देते चालू। मिलता हूँ बाहर, शूज पहन रहा हूँ और ये थोड़ा चल। और ये रहे हम, रेडी हो चुके हैं और चलते बाहर। अभी तो चलो पहले हम करते हैं वार्म अप से चालू, और वार्म अप कर लेते हैं पहले, थोड़ी बॉडी हीट होगी अच्छे से, प्रॉपर सब मसल खुल जाएंगे और फिर करेंगे अपन प्रॉपर वर्कआउट। यस, डेडलिफ्ट के लिए कर रहा हूँ प्रिपरेशन। पहले तो मैंने कुछ भी वेट नहीं लिया है बिकॉज फर्स्ट सेट एकदम ही लाइट वेट मार रहा हूँ मैं, बस वही वार्म अप ही बोल सकते हैं इसको आप, मुझसे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद में हम लगाएंगे 40 केजी, मतलब टोटल हो जाता है 60 केजी, फिर हो जाएगा समथिंग अराउंड 100 केजी और उसके बाद हो जाएगा 140 केजी। यस, ऐसे हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। चलो 20 केजीस लगा चुका हूँ मैं, ज़्यादा बोलूँगा नहीं, सीधा अब सेट्स पे फोकस करना, क्योंकि सेट्स वैसे तो फास्ट फॉरवर्ड होंगे देखा जाए तो, बट मैं दिखाऊँगा, नो प्रॉब्लम। चलो अभी 100 केजीज है, लेट्स गो। हाथ गरम ग्रिप के लिए और लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। तो गाइस 100 केजीज मार तो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा हो गया कि मारते मारते टूट गया है बेल्ट। और ये बेल्ट कैसे टूटा है ये देखो, ये जो पाइप है ये पाइप ही टूट गया है, एल्युमिनियम का पाइप है, थोड़ा वीक सा था। अभी ज़रा दूसरा बेल्ट लेते हैं, और यार ये सेट में तीसरी बार मार रहा हूँ 100 के जिसका ही। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये बेल्ट चेंज करके अपन फटक से दूसरा सेट मार लेते हैं फाइनली। चलो दूसरा बेल्ट लगा लिया है, अभी मारते हैं प्रॉपर 100 केजीज। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, फॉर्म बराबर है, लेट्स गो। अब थर्ड सेट यहाँ पे मैं मारने जा रहा हूँ 140 केजीज, और ज़रा हैवी है मुझे पता है, इतनी क्विक नहीं उठाया जाएगा मेरे से, लेकिन फिर भी हम करेंगे ट्राई, ठीक है। चले, यहाँ पे मैंने एक ना गलत ग्रिप पकड़ी है, और उठाने के लिए मैंने एक अलग रिस्टबैंड लिया है, तो वो रिस्टबैंड से थोड़ा हेल्प होएगा उठाने में, क्योंकि ग्रिप प्रॉपर होगी। पहले मैंने ग्रिप अलग पकड़ी थी उसकी वजह से मैं उठा नहीं पाया था, बट अभी मैं अलग ग्रिप पकड़ के ट्राई करता हूँ, लेट्स सी। एट दिस मोमेंट
सबको लगा रहेगा कि फॉर्म गलत है और ओवरवेट मार रहा है। आई नो मेरा फर्स्ट टाइम है 140 केजीज, बट मैंने इसके आगे जो किया है उस चीज़ पे मेरे को बहुत प्राउड है। सेट स्टार्टिंग का एक रेप गलत था, बट मेरे जिम के लोगों ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया, सपोर्ट किया, उस चीज़ की वजह से बाकी के रेप्स एकदम प्रॉपर गए हैं। अभी मैं मार रहा हूँ थोड़ा वन आर्म डंबल रो, और ये थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँगा क्योंकि इसके मैंने मारे हैं प्रॉपर 3 सेट। तो ये करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं फट। इसके बाद जो मैंने पुल किया है ये मशीन पे, इस पर मैंने अलग अलग कैमरा एंगल से ट्राई किया कि मेरी बैक दिखे, लेकिन बैक दिख ही नहीं रही थी यारो। बैक दिखाने की ट्राई की मैंने, पीछे वाली लाइट भी लगाई लेकिन नहीं दिख रही थी। ठीक है, आपको पता है ना कैसी है, देखा रहेगा वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली, रील में सॉरी। तो या, और इसके बाद मेरा फेवरेट क्लोज ग्रिप में लैट पुल डाउन कर रहा हूँ ताकि थोड़ा बैक प्रॉपर उस पर फोर्स आए और अच्छे से बैक दिखे। और यहाँ पे थोड़ी सी दिख तो रही थी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मेरा ये फर्स्ट वॉइस ओवर वाला सीन है, तो अगली बार मैं ट्राई करूँगा इससे बेहतर करने का, थोड़ा समझ के ले लो प्लीज़। सो वर्कआउट इज़ डन, एंड आफ्टर वर्कआउट मैं कुछ टैबलेट्स लेता हूँ, विच इज़ मल्टी विटामिन टैबलेट्स। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता मेरी तरफ से ये टैबलेट्स, बिकॉज मुझे खुद ने, मेरे ट्रेनर जी ने सजेस्ट करा है, मेरी फिजिक, मेरा सब कुछ देखने के बाद, बहुत सारे रिपोर्ट्स देखने के बाद। तो दीज आर द मल्टी विटामिन टैबलेट्स जो कि मैं लेता हूँ आफ्टर वर्कआउट। आफ्टर वर्कआउट आई मीन आफ्टर आई ड्रिंक दैट प्रोटीन पीने के बाद मल्टी विटामिन। और फिर अभी घर पे जाऊंगा, जिम हो चुकी है, बैक कैसे मारे आप लोग ने देखी, जान निकल गई थी डेडलिफ्ट में, पर ठीक है, अभी घर जाएंगे। और घर जाके क्या करेंगे, पहले तो नहाएंगे और उसके बाद में क्या खाऊंगा वो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, घर निकलते हैं। सो गाइज, वी आर बैक इन आवर बूट कैंप राइट नाउ। मैं खाने वाला हूँ, जो मैं नहा के अभी फ्रेश होके बैठा हूँ, मैं खाने वाला हूँ ओट्स जो मैंने बना के लिए खुद के लिए, थोड़े से स्प्राउट्स है वो खाने वाला हूँ, उसके साथ एक पीनट बटर है ये वाला, ये पीनट बटर के साथ ब्रेड, और दूध दिखाने की ज़रूरत नहीं, दूध सेम ही दिखता है सब जगह पे। तो ये सब खाने वाला हूँ मैं, और ये खाने के बाद बादाम, 2 केले, ये भी सब सेम ही दिखता है हर जगह। तो वो सब खा के अपन जाएंगे स्ट्रीम करने। स्ट्रीम करते समय का मैं तुमको थोड़ा सा वो अपना बैकग्राउंड से ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है? चलो दोस्तों, आई एम गोना स्ट्रीम नाउ, बट रिमेंबर कि दिन भर में आपको एटलीस्ट 5 लीटर तो भी पानी पीना है। ये जिम वालों को या जिम नहीं करने वालों को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट 5 लीटर पानी पियो, हाइड्रेटेड रहो। अब मैं जा रहा हूँ स्ट्रीम करने, आफ्टर स्ट्रीम में क्या खाता हूँ मैं आपको आफ्टर स्ट्रीम बताता हूँ। ओके सो गाइस, मेरी स्ट्रीम अभी हुई है और मैं स्ट्रीम के बाद पीने वाला हूँ अभी प्रोटीन शेक एज ऑलवेज, और उसके साथ कुछ खाऊंगा। क्या खाऊंगा मुझे नहीं पता, लेट्स सी, नीचे जाके देखूंगा कि क्या है। वैसे पनीर 8 बजे के मील में एक ऐड किया है, और अभी डायरेक्ट कुछ करने वाले हैं नहीं, थोड़ा क्रिकेट खेलेंगे, ये यहाँ वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, देखते हैं, और उसके बाद शायद हम जाएंगे सोने। तो डायरेक्ट सोते समय बेड पे मिलता हूँ अभी मेरे को लगता है, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ बाहर। ओके, The next day. Very good morning again, guys. Vlog की ending कुछ इस तरीके से है। मैंने बोला था कि मैं सोते समय क्या लेता हूँ मैं बताऊँगा, लेकिन उतना टाइम नहीं मिला। मैं अश्वगंधा की टैबलेट लेके सो जाता हूँ ताकि नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से हो। तो अभी पानी पी के फिर एक बार हम लोग अपना प्री वर्कआउट खा के जिम जाने वाले हैं, क्योंकि आज है बाइसेप का डे। तो यस, आपको कैसा लगा व्लॉग ये बताना ज़रूर। और एक चीज़ कि मैं किसी को भी मेरा डाइट रिकमेंड नहीं करता, मैं क्या खाता हूँ मैं रिकमेंड नहीं करता, इट्स अपॉन यू। वर्कआउट भी रिकमेंड नहीं करता, मुझे जो कुछ भी बताया है, मैं जो कुछ भी खाता हूँ मेरे ट्रेनर ने मुझे बताया है,
तो आप अपने ट्रेनर को पूछ के ही डाइट लेना, किसी का देख के, किसी का कि इसकी बॉडी ये खाने से ऐसे बन रही है। हर एक की बॉडी हर एक फूड के लिए बनी होती है। अगर कोई लैक्टोस इंटॉलरेंस हुआ, किसी को ये प्रॉब्लम हुआ, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैं बहुत सारा दूध वाली चीज़ें खाता हूँ। तो डाइट कॉपी मत करना, अपने ट्रेनर को पूछना, तभी सब कुछ लेना, ठीक है? तो मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में, और अगर मज़ा आया हो तो मेरे को कमेंट्स में बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। बाय बाय, लव यू।